आज हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स। तो मैम, आज का हमारा पहला सवाल है कि मैम, किडनी स्टोन क्या होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, जिससे ये पहचानना जा सके कि किडनी स्टोन होने के चांसेस क्या हैं और इसके रूट कॉज को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो डॉक्टर, आप इसके बारे में हमें बताएं। किडनी स्टोन, ये सब जानते हैं कि हमारा यूरिनरी सिस्टम एक किडनी, दो किडनी, राइट और लेफ्ट, जो कि ब्लैडर से जुड़ी हैं थ्रू यूरेटर, और जिससे यूरिन पास होता है वो यूरेथ्रा है। ये सारा सिस्टम, दो किडनीज, दो यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा यूरिनरी ट्रैक्ट बनाते हैं। जब किडनीज में यूरिन बनता है, उसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कैल्शियम, यूरेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, ऑक्सिलेट, ये सब नॉर्मली यूरिन में पाए जाते हैं। पर जब इन सब्सटेंसेस की लेवल या क्वांटिटी नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है जी, तो ये मिलके एक स्टोन बना लेते हैं। ये स्टोन फॉर्मेशन का ये मेन रीज़न होता है कि जब किसी वजह से यूरिन कंसंट्रेट होता है, यानी फ्लूइड लेवल कम हो जाता है जी, तो सॉलिड सब्सटेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो स्टोन फॉर्मेशन करते हैं जी। इसीलिए तो मेन कहते हैं कि जिसको भी यूरिनरी स्टोन या रीनल स्टोन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, खूब पानी पिए ताकि खूब खुल के पेशाब आए और उसका यूरिन डाइल्यूटेड रहे जी, ताकि स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सके जी। ये एक जनरल सा एडवाइस है जी। बाकी इसके डेफिनेट कॉज हम नहीं कह सकते कि ये डेफिनेट कॉज है जिससे स्टोन बनता है। इंडिया में भी कई रीजन्स हैं जिनको हम स्टोन बेल्ट्स कहते हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन, यहाँ लोगों में ज़्यादातर पथरी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू साउदर्न एरिया। तो इसका डेफिनेट रीज़न क्या है ये हम नहीं कह सकते, बस मेन यही है कि फ्लूइड इनटेक कम होना, किसी वजह से ये सब्सटेंसेस नॉर्मल होते हुए भी, नॉर्मल लेवल में होते हुए भी वो स्टोन फॉर्मेशन करते हैं, उनके कॉजेज अननोन है। इसमें हेरिडिटरी फैक्टर भी है कि जिनके फैमिली हिस्ट्री है स्टोन फॉर्मेशन की, उनके बच्चों को 2.5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के। पर फिर भी मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि कोई फैमिली हिस्ट्री ना होने पे भी स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है जी। तो लाइफस्टाइल इसका मेन एक कॉज कहा जा सकता है जी। डॉक्टर, एक मिथ और रियलिटी है कि किडनी स्टोन हार्ड वाटर से या मेलमाइन क्रॉकरी में खाना खाने से, या फिर खाने में अधिक मात्रा में नमक या चीनी का सेवन करने से, या लोग ये भी कहते हैं कि बियर पीनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा या यूरिन के थ्रू जो स्टोन है वो पास होके निकल जाएगा, या फिर दूध में कैल्शियम होता है तो लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि भई आप दूध मत पीजिए ताकि जो कैल्शियम है, क्योंकि उसकी वजह से भी कई स्टोन बनता है, सब लोग मानते हैं। तो ये कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं कि जैसे टमाटर का छिलका है वो भी कहीं ना कहीं स्टोन बनाता है, तो कि ये बातें कहाँ तक आपको सही लगती हैं? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। जैसे सबसे पहला मिथ है कि टमाटर नहीं खाना चाहिए जी, इससे स्टोन फॉर्मेशन होता है जी, परंतु ये कहीं भी प्रूव्ड नहीं है जी। और नहीं देख रिसर्च में, स्टडीज में कहीं नहीं देखा गया कि टमाटर खाने वालों को ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन है। ऐसे ही जो दूध पीते हैं, दूध में कहा गया है कि दूध पीने से स्टोन बनेगा क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु ये भी कहीं नहीं देखा गया कि मिल्क से या मिल्क प्रोडक्ट्स से स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम लोग ज़रूर अवॉइड करने के लिए कहते हैं जिन लोगों में पहले हिस्ट्री हो के इनके स्टोन बन चुका है। वैसे दूध अवॉइड करना या टमाटर अवॉइड करना हम नहीं एडवाइस करते, क्योंकि ये कहीं भी प्रूव नहीं है। हाँ, कई लोग हमसे आके अक्सर पूछते हैं कि क्या बियर पीना रिकमेंडेड है और क्या बियर पीने से पथरी निकल जाती है जी, या ये पथरी को टूटने में मदद करती है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिथ है। बियर बल्कि स्टोन फॉर्मेशन करती है। बियर में ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रमोट करते हैं स्टोन फॉर्मेशन को। ये स्टोन घोलने में या तोड़ने में या निकालने में सहायक नहीं है, ये बिल्कुल गलत लोगों की सोच है। ऐसे ही कुछ और फूड आर्टिकल्स हैं, जैसे पालक जी, जैसे कहते हैं जो बीज वाले वेजिटेबल्स हैं या बीज वाले फ्रूट्स हैं जी, वो नहीं खाना चाहिए। पर एक्चुअली कुछ भी बैन नहीं है जी, जी। हाँ, हम लोग ज़रूर ये कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट वाले, जैसे फिश, जैसे मीट जी, जैसे मींस प्रोटीन रिच डाइट्स, हम ज़रूर कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए जी, कम क्वांटिटी में ली जानी चाहिए।
हैवी फैट वाले प्रोडक्ट्स, परंतु जो गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैलेंस्ड डाइट हम लोग रिकमेंड करते हैं सब केसेस में। हाँ, हम एक और ये हमने देखा है कई स्टडीज़ में, मैंने डाइटरी जो न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इमली का प्रयोग जी खाने में करने से स्टोन फॉर्मेशन कम होता है जी। ये रिकमेंडेड एक ये स्टडी मैंने भी कहीं पढ़ी है कि इमली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि इसका वो कंपैरिजन करते हैं कि साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस में, क्योंकि साउथ इंडियंस ज़्यादातर अपने फूड में इमली का प्रयोग करते हैं और उनमें देखा गया है कि स्टोन फॉर्मेशन कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। और इमली का ये एक फ़ायदा लिटरेचर में एंटर्ड है, इसको फर्दर वेरीफाई किया जा सकता है। मैम, किडनी में जो स्टोन होता है उसे कैसे डायग्नोज करते हैं, या क्यों डॉक्टर्स को स्टोन के कंटेंट को एग्जामिन करने की ज़रूरत पड़ती है? क्या इससे ये पता चलता है कि स्टोन किन किन कारणों से बना है, या फिर ऐसे कौन से केमिकल्स हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं जिनसे ये बनता है? तो डॉक्टर, आप इस विषय पर रोशनी डालिए प्लीज़। किडनी स्टोन कई तरह के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, सिस्टीन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, फॉस्फेट स्टोन एंड स्ट्रूवाइट स्टोन्स। तो जिस केमिकल, इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको जब भी स्टोन निकले उसको लेके लैब में ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि वो किस चीज़ से बना है, क्योंकि फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि स्टोन किस सब्सटेंस से बना है, तो हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि ये दोबारा ना बने। तो ये डिटेक्ट करना कि किस टाइप का स्टोन है, ये एक ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है जी। और कारण मेन हम डेफिनेट, मैंने जैसे बताया कोई डेफिनेट कारण तो नहीं है जी, पर जी। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जी, जी। जैसे किसी के पहले ही हिस्ट्री रही हो कि इसको पास्ट में स्टोन रहा है जी। एक ये रिस्क फैक्टर है, या जो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीता जी, जो लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली बच्चे जी। सारा सारा दिन पानी नहीं पीते, उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टोन बनने के। और कुछ बीमारियों में कीटोजेनिक डाइट एडवाइज्ड होती है जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट लिए जाते हैं जी। जैसे किसी बच्चों में सीजर्स वगैरह दौरे पड़ते हैं जी। तो उनमें कीटोजेनिक डाइट एडवाइस की जाती है। ये देखा गया है कि वो भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, यानी उससे रिस्क पथरी के बनने का बढ़ता है। कुछ दवाइयाँ भी हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ कुछ हैं जो प्रमोट करती हैं इस रिस्क को, पथरी बनने के रिस्क को। और कुछ केसेस में हेरिडिटरी फैक्टर भी रोल प्ले करता है। ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं पर डेफिनेटली कॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है। मैम, अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गॉल स्टोन या फिर रेनल स्टोन, ये दोनों क्या हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। हाँ, गॉल स्टोन और रीनल स्टोन सुनने में तो एक से लगते हैं कि स्टोन है, पत्थरी ही होगी जी, जी। पर दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग तरह के स्टोन हैं। जैसे मैंने बताया कि रीनल स्टोन कई तरह के हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन, यूरिक एसिड। जो गॉल स्टोन है वो भी कई तरह के होते हैं, उनमें वो कई स्टोन जो मेजर उनका कंपोजिशन फैट होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जी, जी। वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, फॉस्फेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम स्टोन होते हैं, पर गॉल स्टोन और रीनल स्टोन का कोई लिंक नहीं है आपस जी, में जी। इसे कैसे ट्रीट और प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर क्या सही समय रहता है इसे क्योर करने का या डॉक्टर के पास जाने का? तो प्लीज़ आप इसके बारे, इस विषय पे हमें थोड़ी जानकारी दें। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि स्टोन बहुत समय तक साइलेंटली पड़े रहते हैं जी। वो एक्सीडेंटली डायग्नोज होते हैं जब आप किसी और कारण की वजह से, सपोज एक्सरे करवाने गए हो या किसी और वजह से आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो एक्सीडेंटली ये भी डायग्नोज हो जाता है कि आपके किडनी में भी एक स्टोन पड़ा है जी। या बाइलेटरल दोनों तरफ भी हो सकते हैं। पर जब भी ये प्रेजेंट करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि तीखी दर्द हो, बहुत सीवियर पेन हो, ये हल्की फुल्की दर्द कभी हो गई कभी ठीक हो गई। पेशेंट अक्सर बताता है कि मुझे कई टाइम से ये फ्लैंक्स में पेन होती है। फ्लैंक आप समझते हैं, ये साइड्स ऑफ एब्डोमेन जहाँ दर्द होती है, बैक की तरफ जाती है और अपने यूरिनरी एरिया की तरफ ये दर्द फैलती है जी। तो पेशेंट बताता है कि कभी उसको दर्द होती है, कभी हट जाती है, साथ में कभी उसको यूरिन की थोड़ी ब्लॉकेज फील होती है, कभी उसको साथ दर्द के साथ उल्टी आती है या उल्टी आने को दिल करता है। परंतु वार्निंग साइन तब होते हैं जब ब्लड में, यूरिन में ब्लड आता है जी, या यूरिन में सीवियर पेन होती है, यूरिन करने में, या पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल
पेन होती है और उसका यूरिन रुक जाता है जी। सबसे चिंता की बात तब होती है जब साथ में बुखार आ जाता है जी। यूरिनरी प्रॉब्लम के साथ बुखार का आना के मतलब इमीडिएटली हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अगर साइलेंट स्टोन पड़ा है तो वो सालों पड़ा रह सकता है, वो कोई रिस्क नहीं भी हो सकता। परंतु अगर यूरिनरी स्टोन के साथ अगर साथ में बुखार भी है और साथ में खून भी आ रहा है यूरिन में, तो इमीडिएटली डॉक्टर्स की स्पेशली यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन की ज़रूरत है जी। मैम, किडनी स्टोन को क्या आयुर्वेदिक या नेचुरल रेमेडी से भी क्योर किया जा सकता है या फिर होम्योपैथी ही एक सही रास्ता है इसे निजात पाने का, आप इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, डेफिनेटली तो ऐसा किसी भी सिस्टम के बारे में नहीं कहा जा सकता जी जब तक एक प्रॉपर डाटा, एविडेंस बेस्ड डाटा हमारे पास ना हो जी। भले ही आयुर्वेदिक हो, भले ही होम्योपैथिक हो, भले ही नेचुरल मेथड्स हो और भले ही एलोपैथिक मेडिसिंस हो, ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक वन ऑफ द सिस्टम ही है जो कि इसकी ट्रीटमेंट कर सकता है। कई इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां होम्योपैथिक मेडिसिन से पथरी निकल जाती है, जहां आयुर्वेदिक से निकल जाती है, और या फिर डायूरेटिक ज़्यादा पेशाब लाने वाली दवाइयों से पथरी निकल जाती है, परंतु ये सब स्कैटर्ड डाटा है जी। हम डेफिनेटली इस बारे में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये सिस्टम है जिससे परमानेंट रिलीफ मिलता है इस प्रॉब्लम से। मैम, किडनी स्टोन एक कॉमन डिजीज़ बनती जा रही है या किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है, और स्पेशली फीमेल में इसके होने के चांसेस कितने होते हैं, क्या ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को भी हो सकता है, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। एज ग्रुप बच्चों में एडल्ट्स के कंपैरेटिवली कम चांसेस होते हैं जी। बाकी एडल्ट्स में सेक्स रेशियो हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि लेडीज़ में ज़्यादा या जेंट्स में ज़्यादा जी। इसकी ये एज रीजन वाइज इसका इंसिडेंस देखा गया है जी। और डेफिनेटली अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री है स्टोन की तो आगे आने वाली जनरेशन में उसके स्टोन होने के चांसेस ढाई गुना ज़्यादा होते हैं, पर वो डेफिनेट नहीं है। बिना इनहेरिटेंस के भी ये चांसेस हो सकते हैं, और मेल और फीमेल ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि इनमें ज़्यादा है, मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है। मैम, मेरा अगला सवाल है कि ये जो स्टोन है इसका मैक्सिमम कितना साइज होना चाहिए, क्या ये यूरिनेशन में भी कोई दिक्कत करता है, इसके बारे में हमें बताएं। स्टोन का डेफिनेट कितना साइज होना चाहिए ये नहीं कह सकते जी। स्टोन हाँ, कहाँ तक वो निकल सकता है दवाइयों से और कहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है ये डिपेंड करता है साइज पे। 5 mm से कम साइज के स्टोन यूजली निकल जाते हैं अपने आप ही, पानी ज़्यादा पियो ये डाइल्यूट करने से निकल जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। सिर्फ हमें माइल्ड थोड़े एनाल्जेसिक्स या माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिंस की ज़रूरत पड़ती है पेन के दौरान। परंतु अगर स्टोन 9 या 10 mm का है या उससे भी बड़ा है जी, स्पेशली एक टाइप ऑफ पोटाशियम स्टोन्स होते हैं जिसको हम स्टैग हॉर्न स्टोन्स कहते हैं, जो जिसको जड़ों वाला, लेमैन की लैंग्वेज में जड़ों वाला पत्थरी कहते हैं, वो सारी किडनी में अपनी ब्रांचेस सी स्प्रेड करता है। उन केसेस में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, भले ही वो लिथोट्रिप्सी हो, भले ही वो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी हो या भले ही वो लेप्रोस्कोपी हो जी। मैम, किडनी में स्टोन होने के क्या कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इसमें किडनी ट्रांसप्लांट करने के भी कोई चांसेस होते हैं, तो हाँ, इसके बारे में हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर बहुत समय तक पथरी जो है या स्टोन जो है वो यूरिनरी यूरेटर को ब्लॉक करके रखता है जी, उससे किडनी से जो यूरिन सिक्रीट होता है वो ब्लैडर में नहीं जा पाता और वहाँ हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन आती है, यानी कि यूरिन कलेक्ट होने लगता है, फ्लूइड प्रेशर किडनी में बढ़ जाता है। ये बैक प्रेशर किडनी की फंक्शनिंग को हैम्पर करता है जिससे किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। अगर यही कंडीशन लंबे समय तक चलती रहे, लोग कहीं इग्नोर करते हैं कि पेन किलर्स खाते जाते हैं, चलो दर्द हो गया पेन किलर खा लिया,
और डॉक्टर से एडवाइस नहीं ली, अपना घर पे ही ट्रीटमेंट करते रहे, उन केसेस में डेफिनेटली देखा गया है कि लंबे समय तक पथरी अगर फंसी रहती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्पेशली यूरेटर में, और किडनी पे बैक प्रेशर पड़ता है, तो किडनी फेलियर, जिसको हम यूरीमिया बोलते हैं, वो कंडीशन आ जाती है कि जो बहुत खतरनाक है, जिसमें अनट्रीटेड केसेस में फिर रीनल ट्रांसप्लांट की भी स्टेज पहुंच जाती है। इसलिए हमें कभी भी जो शरीर में सिम्टम्स आते हैं, जो हमें सिग्नल्स बॉडी शो करती है पेन की फॉर्म में, फीवर की फॉर्म में, या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की फॉर्म में, या ब्लड आने, यूरिन में ब्लड आने की फॉर्म में, ये जो सब साइन एंड सिम्टम्स बॉडी हमें शो करती है, वो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए और इमीडिएटली राइट टाइम पे हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए और राइट ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट होने के बाद भी कई बार क्या देखा गया है कि किडनी में दोबारा स्टोन बन जाता है, तो इसके कितने चांसेस रहते हैं कि वो स्टोन दोबारा बन जाता है ट्रीटमेंट होने के बाद भी, तो इस विषय पे आप रोशनी डालिए। डेफिनेटली ये देखा गया है कि जिन लोगों को एक बार पथरी हो जाती है उनमें रेकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी, उनको फ्यूचर में भी दोबारा बार बार पथरी बनने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ स्टोन, कोई भी पथरी हो, भले कैल्शियम ऑक्सलेट से लेके यूरेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, कोई भी स्टोन हो, एक तो खूब पानी पियो, फ्लूइड लेवल इनटेक खूब होना चाहिए। दूसरा, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है या कैल्शियम टाइप ऑफ स्टोन है, तो कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स ना ले, वो अवॉइड करें, जैसे विटामिन डी का सप्लीमेंट, कैल्शियम का सप्लीमेंट, ये अवॉइड करें, और खूब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जी, पोटेशियम रिच फूड्स खाएं, इनसे कैल्शियम के स्टोन्स की रेकरेंस अवॉइड की जा सकती है जी। बाकी तो सब तरह के स्टोन में हम रिकमेंड करते हैं कि खूब पानी पिएं, अपना राइट लाइफस्टाइल रखें, सैर करें, फैट नहीं गेन होने दें, हाई प्रोटीन वाली डाइट्स, जैसे ये नॉन वेज, फिशेज, मीट, रेड मीट, ये सब अवॉइड करें ताकि रेकरेंस को रोका जा सके जी। मैम, आपका क्या सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि वो कैसे अपने आप को किडनी में स्टोन होने के रिस्क से बचा सकते हैं, और या क्या फिर एफर्ट्स हमें करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सके इसके बारे में? मेरा जनरल पब्लिक से यही एडवाइस है, एक तो सही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जी, यानी सही खाना पीना, सही एक्सरसाइज और डाइट, नेचुरल डाइट पे डिपेंड करें, किन्हीं भी ये मिथ्स में मत पड़े, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बैलेंस्ड डाइट रखें जी, और सही फ्लूइड इनटेक लें जी, जितना उनको फ्लूइड चाहिए, स्पेशली 8 से 10 गिलास एक दिन में एक एडल्ट को ये लेना चाहिए, और सही एक्सरसाइज भी करनी चाहिए उसको, कम से कम 45 to 1 hour डेली, और राइट टाइम पे डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जरा सा भी कोई अगर उनको सिग्नल आए पेन का, तो खुद ही ओवर द काउंटर जाके पेन किलर लेके अपनी किडनी को रिस्क में नहीं डालना है जी। राइट टाइम पे उस सिग्नल का इलाज करवाना है जी। अगर कहीं कभी भी यूरिन रुकता है, यूरिन में ब्लड आता है, या कोई भी डिसयूरिया के, यानी पेशाब करने में कोई भी तकलीफ होती है, तो इमीडिएटली राइट डॉक्टर के पास जी, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। यूं ही किसी बोगस डॉक्टर या कुछ नौसिखिए डॉक्टर या नीम हकीम के पास जाके इलाज नहीं कराना चाहिए, प्रॉपर डायग्नोज करवाएं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सही ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट बहुत लोगों, हमने देखा है कि बहुत लोगों की किडनीज को रिस्क पे डालती है जी। लोग बड़े लंबे समय से पेन किलर्स लेते जाते हैं, फिर जब आते हैं तो पता चलता है कि उनका वो बियॉन्ड ट्रीटमेंट हो गया है, उनका स्कोप, किडनीज फेल हो गई है, तो ये स्टेज मत आने दे, शुरू में ही सही इलाज और सही एडवाइस ले।